हेलो एवरीवन, चलो बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या लॉजिक होने वाला है, किस तरीके से हमारा प्लान होने वाला है, हमने कैसा प्लान किया था कल के दिन में और किस तरीके से उसको वर्कआउट हुआ क्या देखते हैं। लेकिन आज के दिन पे निफ्टी में कहीं भी ज्यादा सेलिंग आ चुका है, मतलब निफ्टी में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा सेलिंग बन चुका है, एक बहुत बड़ी निगेटिव कैंडल बनी है। तो सारी चीजों को हम चार्ट पे चलकर देखते हैं, आराम से देखते हैं। हेलो एवरीवन, चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, कल हमने क्या प्लान किया था, आज किस तरीके से वर्कआउट हुआ, इन पूरी तरीके से हम प्लान को वॉच आउट करेंगे, मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर जाकर ट्रेड करेंगे। कल हमने किस तरीके से प्लान बनाया था, क्या चीज़ हुई, ये पहले को देखने की कोशिश करते हैं। हमने कल क्लियर डिस्कशन किया था कि ये लाइन के अंदर अंदर अगर मार्केट कहीं पर भी ओपन होता है एंड यहाँ पर कोई भी एक अच्छी प्राइस एक्शन देखने के बाद अगर नीचे की साइड में रुकता है तभी हम नीचे की साइड में ट्रेड करेंगे, वरना अदरवाइज हम यहाँ पर प्लान नहीं करेंगे। मैंने क्लियर आपको मेंशन किया था सेलिंग के लिए। तो अब देखा जाए तो कल की जो अपर की लाइन में वो कभी ब्रेक हुई नहीं, लेकिन डाउन साइड की जो रेंज थी वो मॉर्निंग में यहाँ पर पहली बार ब्रेक हुई और ये वापस चला आया। मैंने इसीलिए आपको बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि ये इसके साइड नीचे भी चला जाएगा तो भी ये नीचे सस्टेन नहीं करेगा, वापस ऊपर आ जाएगा। इसीलिए मैंने क्लियर आपको मेंशन किया था कि एक कैंडल नीचे की साइड में सस्टेन होने दो, अगर अच्छी खासी कैंडल, मतलब एक चीज आपको बता के रखी थी कि अगर इसके अंदर दो तीन कैंडल बनने के बाद अगर नीचे चला जाएगा तो एक अच्छा ट्रेड हमारे लिए मिल सकता है और एक अच्छा प्रॉफिट हमारे लिए देखने के लिए मिल सकता है। तो आपने अगर देखा होगा तो आई थिंक होप आपको यहाँ पर पहले ट्रेड में कभी नहीं मिला होगा, पहले मोमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं कि नेक्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो काफी कैंडल्स यहाँ पर रुकने के बाद पूरा दिन पैसा न बनने के बाद लास्ट में जाकर यहाँ पर एक कैंडल अच्छी खासी इसके नीचे जाकर क्लोज हुई यही रेंज के अंदर अंदर। ये जो नीचे के साइड में मोमेंटम है इसके लिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने जो प्लान बनाया था कि इसके अंदर मार्केट एक दो कैंडल बननी चाहिए फिर जाकर नीचे गिरेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। तो आप देखोगे तो कंप्लीटली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये सारे जोन के बाहर यहाँ पर काफी टाइम तक मार्केट रुकने के बाद नीचे चला गया, मतलब लास्ट के 15 मिनट की दो कैंडल में ही आपको पैसा बन गया। भले ही पूरा दिन आपको पैसा ना बना हो लेकिन इसी दो कैंडल के अंदर अंदर आपको अच्छा पैसा मिल गया। ये होता है ट्रेडिंग को करना, क्योंकि ट्रेडिंग में एक प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड ये प्लान आपको पता होना चाहिए कौन से डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, कैसे प्लान बना रहे हो, कौन से सिचुएशन को देखकर प्लान बना रहे हो, क्या क्या तरीके से प्लान बना रहे हो, सब कुछ चीजें हमने प्लान डिसाइड की थी। एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिवली कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया है, मतलब ज्यादा ही कोई डाउन साइड मोमेंटम इसने किया है एज कम्पेरेटिवली बैंक निफ्टी देखा जाए तो। एक मैंने बैंक निफ्टी में मैंने एक चीज बताई थी कि कहीं पर भी यहाँ लेवल के आसपास आसपास ओपन हो जाता है तो फिर इसी रेंज के अंदर अंदर रहकर वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये क्या होता है ये हो जाता है फ्लैट ओपन एंड फ्लैट ओपन होने के बाद ये थोड़ा बहुत ऊपर तो चला जाता है लेकिन वापस नीचे आने के बाद कंटिन्यूस प्राइस एक्शन बनाते हुए ये नीचे आता रहता है और बहुत अच्छे से नीचे आता है प्राइस एक्शन बनाते हुए। तो निफ्टी कुछ अच्छी खासी कैंडल बनाते हुए नीचे आ चुका है। निफ्टी में अभी थोड़ा सा डेली चार्ट पे कुछ बहुत ज्यादा मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सा निगेटिव टाइप मुझे दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आपको दिख रही है, बेरी सिंगल पिंग टाइप आपको बहुत बड़ी कैंडल दिख रही है। तो मुझे मैं निफ्टी के लिए अभी थोड़ा सा बेरिज जैसा प्लान करने वाला हूँ लेकिन बैंक निफ्टी के लिए मैं अभी भी बेरिज जैसा प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर बैंक निफ्टी की अगर डेली चार्ट की कैंडल देखोगे तो डेली चार्ट में अभी बैंक निफ्टी में कोई इतना ज्यादा सेलअप नहीं दिख रहा है। भले वो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है लेकिन फिर भी जाकर एक इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं दिख पा रहा है जितना निफ्टी में हमें दिख रहा है। पता नहीं निफ्टी इतना ज्यादा नीचे आया है लेकिन बैंक निफ्टी बिल्कुल भी नहीं आया है। तो बैंक निफ्टी अब भी अपर लेवल के आसपास आसपास अभी भी होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। तो इंट्राडे में पहले प्ले करते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हम क्या चीजों का प्लान आउट होने वाला है, हम सारी चीजों का प्लान कर सकते हैं, प्रॉपर प्लान करते हैं। अभी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी काफी टाइम तक यहाँ पर रुका है, 43,000 के आसपास इसने बहुत ज्यादा कोशिश किया है 44,000 को बचाने के लिए। 44,000 का लेवल ये बचाने का बहुत ज्यादा कोशिश करता रहा, काफी टाइम तक इसने 44,000 के आसपास आसपास खुद को बचाने का कोशिश किया लेकिन फिर भी ये बच नहीं पाया, लास्ट के एक कैंडल नीचे क्लोज कर गई। एक बात आप समझो कि लास्ट में एक जो कैंडल बनती है ना उस कैंडल में ज्यादा हम उसको मैटर नहीं करते, भले ही क्लोजिंग उसकी निगेटिव हो चुकी है लेकिन अगर सोचो कि मार्केट कल ये कैंडल बनी नीचे के साइड में बन चुकी है लेकिन हमारा रेंज कौन सा है, हमारा अभी ये रेंज ये हो जाएगा, हमारे लिए रेंज अभी फिलहाल के लिए रेंज बन चुका है। अब कल अगर मार्केट यहीं पर ओपन हो जाएगा फिर से अपर साइड में तो फिर से रेंज में चलाएगा, क्योंकि ये ज्यादा नीचे साइड में गया नहीं है। अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट के पास ही नीचे नीचे गया है। बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, बैंक निफ्टी इजिली 100 पॉइंट का मोमेंटम कर जाता है। तो अगर कल वापस अगर ओपन होने के बाद, लेकिन कल हम ट्रेड तभी करेंगे जब बैंक निफ्टी बहुत अच्छे एक ट्रेड मजा देगा, जब हमें सबसे पहले 44,050 के ऊपर ऊपर अगर बैंक निफ्टी कहीं पर भी ओपन होता है तो हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है जो अपर साइड में जाने के लिए, और एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है जो हमें बहुत एक अच्छी डायरेक्शन में ट्रेड लेके जा सकते हैं। लेकिन ट्रेड हम तभी करने वाले हैं जब मार्केट 44,000, 44,080, 100 ये सारे लेवल के ऊपर ऊपर अगर बैंक निफ्टी कहीं पर भी यहाँ पर, मतलब ओपन होना चाहिए इसी के अंदर अंदर, ओपन इसी रेंज के अंदर अंदर ओपन हो एंड फिर जाकर 100 को क्रॉस करते हो तब इसको क्विक बाय करना पसंद कर सकते हो एंड जो टारगेट आपका मिल जाएगा वापस हमारा बड़ा टारगेट निकल के आएगा 44,200 का पहला टारगेट निकल के आएगा। धीरे धीरे टारगेट लेंगे, बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, छोटे छोटे टारगेट लेके चले जाएंगे क्योंकि बैंक निफ्टी अभी हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो छोटे छोटे टारगेट लेना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो 44,200 का भी टारगेट लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं 100 से 150 पॉइंट के आसपास उसका टारगेट मिल जाएगा। अगर उसके बाद भी मार्केट, क्योंकि अभी लाइफ टाइम हाई के ऊपर हम ट्रेड करने लगेंगे
तो हमारे लिए रेजिस्टेंस कोई बचेगा ही नहीं। अगर मार्केट ऐसा ऊपर चला गया, हमारा टारगेट है चुआ 44,200, 250, ये सारे लेवल के आसपास आसपास चला गया, तो फिर यहाँ से और भी एक अपसाइड मार्केट मोमेंटम को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जितना जाएगा उसके साथ हम चलते जाएंगे, कंटिन्यूशन में रनिंग करते हुए चलते जाएंगे। अभी आप देखोगे तो ये वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है 43,000 के, 43,900, 850, ये सारे लेवल के आसपास आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब एक निगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। लेकिन क्यों नीचे आ रहा है, इसका रीजन आपको निफ्टी में दिख जाएगा। निफ्टी अभी भी रुक नहीं रहा है, आप देख रहे होंगे तो निफ्टी कंटिन्यू से नीचे आ रहा है, तो निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी अभी भी नीचे आता हुई जा रहा है, कंटिन्यूशन में नीचे चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी भी 10 मिनट इसके लिए बचे हैं, तो अभी भी 10 मिनट के मोमेंटम इजिली कर सकता है। लेकिन अभी बैंक निफ्टी के लिए रेंज बना हुआ है, तो उसको हम प्लान कर देते हैं। अभी आप बैंक निफ्टी को चार्ट को देख रहे हो, तो बैंक निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं 43,800, 750, ये सारे रेंज के आसपास। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो 43,800 के आसपास आसपास अभी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं इसी बीच में हो जाएगी। तो कल ट्रेड करने के लिए हमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा प्लान बना देते हैं। एक बात को थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करो, क्योंकि लास्ट आवर में सेलिंग आ चुका है, मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स कहीं ना मार्केट में ऐड हो चुके होंगे। ये सारे लेवल्स पे मार्केट में अभी सेलर्स ऐड हुए हैं, बहुत सारे लेवल्स, ये सारे सेलर्स है, क्योंकि मार्केट बार बार कोशिश करने के बाद भी इसके ऊपर नहीं जा पाया, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स है और वो काफी अच्छे से यहाँ पर एक्टिव हुए पड़े और मार्केट को जाने नहीं दे रहे, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो सेलर्स को ऐड होना ही था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारे लिए तभी अच्छा एक ट्रेड मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि गैप अप होने के बाद अगर निकल जाएगा तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन दूसरा ट्रेड कैसे मिलेगा, हमें बच्चा है कि फ्लैट ओपनिंग चाहिए, मतलब बैंक निफ्टी ओपन हो 43,950 से लेकर 950 से लेकर 800, इसके बीच में कहीं पर भी ओपन हो। अगर इसी के बीच में कहीं पर भी ओपन होने के बाद अगर वापस नीचे की साइड में क्रॉस कर जाता है, तो हम इसको वापस क्विक बाय करना, सेल करना पसंद करेंगे और फ्लो के साथ नीचे चले जाएंगे। लेकिन ट्रेल ज्यादा एसएल करने की, मतलब ट्रेल जो आपका एसएल है वो कहीं ना कहीं ट्रेल करते रहो, जल्दी जल्दी ट्रेल करते रहो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मार्केट जाने के ऊपर कोशिश कर रहा है, हम उसके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उतना प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। बड़ा प्रॉफिट्स मार्केट में धीरे धीरे बनते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कितना मार्केट मोमेंटम करेगा और कितना नहीं मोमेंटम करेगा, लेकिन जितनी हम एनालिसिस करते उस एनालिसिस पे हमें दिखता रहता है कि कितना मार्केट में मोमेंटम हो सकता है और क्या क्या चीजें हो सकती है। तो हमारे लिए एक ट्रेड बनेगा कि जब मार्केट इसी रेंज के अंदर अंदर कहीं पर भी ओपन हो, अगर ये नीचे की साइड में क्रॉस करते हैं तो हम इसको क्विक बाय वापस सेल करना पसंद करेंगे, और हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट निकल के आएगा 43,700 का पहला टारगेट, फिर उसके बाद अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो 43,650 का भी टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये टारगेट के लिए प्लान करेंगे और यहाँ पर हमें 200 से 250 पॉइंट का टारगेट हमें इजिली मिल जाएगा। इसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है फिर देखेंगे और फिर से उसके बाद प्लान कर सकते हैं। होप आप समझ रहे होंगे कैसे हम प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि क्विक एग्जैक्टली यहाँ से रिटर्न कैंडल आपको दिख रही होगी। ये कैंडल से ऐसे क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर एक जो राउंड नंबर है 44,000, ये अभी भी यहाँ पर बायर्स कहीं ना कहीं एक्टिव है, वो इतनी जल्दी यहाँ से एग्जिट करके नहीं निकलते, पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करते। लेकिन हम कल सेलिंग करने वाले हैं, जो 200-250 पॉइंट के आसपास हमें टारगेट इजिली मिल सकता है, तो उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो ये प्लान तो हमारा बैंक निफ्टी में अच्छा खासा हो जाएगा। बस एक ही सिचुएशन पे हम ट्रेड नहीं करेंगे कि वापस मार्केट किसी भी सिचुएशन पे यही रेंज के अंदर अंदर अगर ट्रेड करना लगा, यही पर अगर रहने लगेगा, तो हम इसको ट्रेड करना अवॉइड करेंगे। लेकिन सेकंड हाफ के बाद हम ट्रेड करना पसंद करेंगे, क्योंकि सेकंड हाफ के बाद एक अच्छा बाइंग साइड या फिर डाउन साइड मोमेंटम इजिली बन सकता है, इजिली बन जाएगा, क्योंकि मार्केट 2-3 दिन एक रेंज में नहीं रह सकता। कल भी जाकर कंटिन्यूस रेंज में रहा है, आज भी रहा है, मतलब कल भी रहेगा, ऐसे नहीं हो सकता मार्केट दो दिन तीन दिन रेंज में रहता है, उसके बाद अगर निकलता है तो काफी अच्छा मोमेंटम मिलता रहता है, तो उसके लिए हम प्लान करेंगे। अभी हम निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चलो निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए निफ्टी देखा जाए तो निफ्टी काफी अच्छे से सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे आ चुका है, तो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा है कि इजी ट्रेड मिल जाएगा, कि बस निफ्टी कहीं पर भी ओपन हो, मतलब 18,300 के आसपास का बैंक कहीं पर भी ओपन होता है, 320-350 ये सारे लेवल के आसपास ओपन होता है, तो पहली मोमेंटम में हम सेल करना इसको पसंद करेंगे, क्योंकि फिर ये जितना ज्यादा सेलिंग आया है यहाँ पर कहीं पर भी ओपन हो जाता है, इसी रेंज के अंदर अंदर कहीं पर भी ओपन हो जाता है, मतलब ये सारे रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है, तो पहले मोमेंटम में इसको सेल करना पसंद करेंगे। अगर ये लेवल के बाद, मतलब कल के लो के आसपास जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर इसके नीचे फ्लो के साथ निकल जाता है तो हम इसको सेल करना और भी कंटिन्यूशन में लेके चलेंगे। लेकिन हमारा जो टारगेट अभी फिलहाल निकल के आएगा वो आएगा 18,200 का टारगेट निकल के आएगा, 18,200-180 ये सारे लेवल्स के लिए हम निफ्टी को सेल कर सकते हैं, और ये लेवल आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि निफ्टी में एक बेरी सिंगल पिंक टाइप की कैंडल बनी है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो इसको कंटिन्यूशन में अगर जाना है तो बस इसको क्रॉस करना पड़ेगा नीचे की साइड में। अगर ओपन होने के बाद अगर ये नीचे की साइड में क्रॉस कर जाता तो एक और भी सेलिंग प्रेशर बड़ा मिल जाएगा, मतलब ये नीचे लेवल के साथ भी ट्रेड करता है तो और भी एक सेलिंग प्रेशर मिल सकता है, तो उसके लिए भी हम प्लान करेंगे। लेकिन हमारे लिए एक बात को ट्रेडर की तरह समझने की कोशिश करो, कि अगर सोचो कि मार्केट यहीं पर कहीं पर ओपन हुआ, आपने सेल किया, तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते आपको कहीं ना कहीं 30 से 40 रुपये मिल चुके होंगे, तो निफ्टी में 30-40 रुपये भी मिलते हैं तो बहुत बड़ा टारगेट मिलता है, 20 से 40% का रिटर्न आपको इजिली मिल जाता है,
तो उतना प्रॉपर्टी यहाँ पर छोटे मोटे प्रॉपर्टीज को बुक करना पसंद करो। अगर ये फ्लो के साथ नीचे जा रहा है और भी इसको ट्रेल करके हम लेके जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन जा रहा है तो डायरेक्शन के साथ हम भी चलने की कोशिश करेंगे। निफ्टी मुझे थोड़ा निगेटिव में, निफ्टी में बन चुका हूँ क्योंकि डेली चार्ट पे थोड़ा सा निगेटिव कैंडल बन चुकी है। एज कम्पेरेटिवली बैंक निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा वीक मुझे दिख रहा है एज कम्पेरेटिवली देखा जाए तो हम कल जाकर प्रेस, अगर आप निफ्टी में देखते हो तो कम्प्लीट एक निगेटिव कैंडल दिख चुकी है। तो इस निगेटिव कैंडल के बस मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद कहीं पर भी निकल जाएगा नीचे की साइड में तो और एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बात को यहाँ पर आपको याद रखना है, हम बहुत अच्छे सपोर्ट के आसपास आसपास ट्रेड कर रहे तो ट्रेल एसएल के साथ ट्रेल करो, मतलब ट्रेलिंग एसएल के साथ मार्केट में चलो। जितना ज्यादा प्रॉफिट मार्केट देने के लिए रेडी है उसके साथ बस लेते चलो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने यहाँ तक प्रॉफिट तो बना लिया, मतलब आपने यहाँ पर ओपन हुआ आपने यहाँ तक प्रॉफिट भी बनाया, लेकिन फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स करके आपका पूरा प्रॉफिट खा जाएगा, ऐसे मत कर लेना। छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करते रहना, क्योंकि एज अ ट्रेडर हमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करते रहना चाहिए, तभी जाकर एक धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में बड़े प्रॉफिट्स बनते रहते। होप आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से हम किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरीके से हम प्लान बना रहे हैं। एंड आपको इस वीडियो में मजा आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना है, वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।